मध्य प्रदेश के खंडवा में सेवानिवृत्त शिक्षक हुकुम चंद महाराज के शरीर का दान दिया गया। खंडवा के मेडिकल कॉलेज को देहदान किया गया। बीते दिन खंडवा में एक अजीब नजारा देख लोग हैरत में पड़ गए, जब एक शव यात्रा शमशान घाट पहुंचने की बजाय खंडवा के मेडिकल कॉलेज जा पहुंची, जहां शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया बल्कि उसे मेडिकल स्टूडेंट के रिसर्च के लिए दान कर दिया गया। खंडवा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक हुकुम चंद महाजन, जिन्होंने उम्र भर शिक्षा प्रदान की, वे मरने के बाद भी समाज के लिए संदेश छोड़कर चले गए हैं, जिनका अंतिम संदेश था देहदान का, जिन्होंने नववर्ष में देहदान का संकल्प लिया था, जिनके स्वर्गवासी होने पर उनके परिजनों ने उनके संकल्प को पूरा करते हुए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में मेडिकल स्टूडेंट के रिसर्च के लिए देहदान किया है। यही वजह रही कि हुकुम चंद महाजन की शव यात्रा शमशान घाट पहुंचने के बजाय मेडिकल कॉलेज जहां पहुंची। मृतक के पोते प्रखर ने बताया कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे दादाजी ने देहदान करने का संकल्प लिया। वहीं दादाजी का शव मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के काम आएगा। इससे हम सभी परिजन गौरवान्वित हैं, इससे और को भी प्रेरणा मिलेगी। चूंकि उन्होंने 1 तारीख के दिन खुद अपनी इच्छा से देहदान किया कि मेरी जो दाह है उसको जलाया ना जाए, संस्कार ना करके, और जो मेडिकल कॉलेज के जितने सारे बच्चे हैं उनके काम आए और उन पे रिसर्च कर सकें वो। और कहीं ना कहीं उनका ये बोलना उस समय था, कटपाल सर का उनका ट्रीटमेंट था, वो ये बोलते थे कि यार जीते जी तो मुझे वो ठीक नहीं कर पाए, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद में वो उस चीज़ का, डिजीज़ का कोई क्योर निकल पाए, कोई कुछ कोई चीज़ जो काम आ पाए जो चीज़। तो इसको देखते हुए उन्होंने देहदान किया और हम लोगों ने वहाँ से घर से संस्कार जो रहता है वो लेके हम यहाँ पर आए और दाह संस्कार के जगह हमने वो चीज़ जो बॉडी है उनको डोनेट कर दी हमने अब उस मेडिकल कॉलेज में। और अभी जितने लाखों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं जो यहाँ से डॉक्टर बनेंगे, वो उस पर रिसर्च करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो लोग, हम इतने गौरवान्वित हुए इस चीज़ को लेके, हमारे नाना जी ने इतना बड़ा कदम लिया, और आगे हम भी इसके लिए बहुत प्रेरित हो रहे हैं और बिल्कुल प्रेरित लोगों को भी करेंगे। और बस यही संदेश देना चाहूँगा कि बस जो शिक्षक थे वो, उन्हें आखिरी में भी मरने के बाद भी अपना शिक्षक का जो कर्तव्य था, जो धर्म था, वो निभा के गए, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रखर सिसोदिया है और मेरे नाना जी हैं, मैं पोता हूँ। नेत्रदान देहदान जनजागृति समिति एवं लायंस क्लब खंडवा द्वारा और लायंस साथियों द्वारा खंडवा के नेत्रदान देहदान जनजागृति के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ ही चाहे भागवत कथा हो, लायंस का कोई आयोजन हो या सार्वजनिक आयोजन हो, वहाँ पर हम प्रेरित करते हैं, पहले नेत्रदान के लिए बाद में देहदान के लिए। आज ये जो हुकुम चंद जी महाजन हैं, इन्होंने नेत्रदान देहदान समिति के कार्यों को देखते हुए देहदान की घोषणा का संकल्प लिया। नए साल में 1 जनवरी को इन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे मरणोपरांत मेरी देह मेडिकल कॉलेज में दी जाए। हम ये खंडवा कॉलेज में 5वीं देह जो है समर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले 4 हमने यहाँ भेजी है और 2 देह हमने, जब खंडवा में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो इंदौर में भेजी है। यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा ससम्मान उसको लिया जाता है, और हमारे विनीत गोहिया जी, डीन संजय दादू जी वगैरह के सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बाकायदा उनको सम्मान के साथ यहाँ पर स्वीकार किया जाता है, जो कि बहुत उपयोगी है, और मेडिकल कॉलेज के छात्रों की उपयोगिता को देखते हुए ही हमारी टीम चाहे दिन हो रात हो किसी भी समय इस सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। नहीं, हमारा तो ये है कि हमको क्या है कि मानवता की सेवा में कार्य करना है। लोगों का समाज में ऐसा मानना है कि भाई आपकी जो अंतिम यात्रा जा रही है वो कब्रिस्तान की तरफ जाए, लेकिन आदमी पैदा हुआ है तो उसको तो एक दिन जाना ही है, तो यहाँ पे आ रहा है और जो हमारे यहाँ बॉडी आई, हमको तो बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि इतने इनने सम्मानपूर्वक बाजा बजाते हुए यहाँ पे लेके आए अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, तो हम इसको तो अच्छा मानते हैं। और जब आदमी आया है दुनिया में तो एक दिन तो उसको जाना ही है, और परम कार्य कर रहे हैं और हम उसमें सहयोगी बन रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। अभी तक हमारे यहाँ पे 5 देहदान आ चुके हैं। यहाँ पे ये नेत्रदान और देहदान समिति के माध्यम से ही हमारे यहाँ पे देहदान हो रहा है। तो ये बॉडी हम लेंगे, इसके बाद इसको हम संरक्षित करते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास केमिकल सॉल्यूशंस, उसके बाद ये बॉडी जो है ना, जैसे लिविंग फीलिंग होती है, लाइफ लाइक स्टेट में सारे स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएंगे, प्रोटीन वगैरह कोगुलेट हो जाएंगे,
फिर ये बच्चों को हम इसमें डिसेक्शन कराएंगे। जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है इसको हम मेडिकल साइंस का पिलर बोलते हैं, तो इसमें बच्चे ये अध्ययन करेंगे कि कैसी मसल है, कैसा नर्व है, कैसा वेसल्स है। एक एक सामान्य स्ट्रक्चर का जब वो अध्ययन कर लेते हैं पूरा ऑर्गन का, बॉडी का, तो इसके बाद जब लिविंग में जब वो करेंगे ऑपरेशन वगैरह